फिल्म टाइगर जिंदा है सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में लीड रोल सलमान खान और कैटरीना कैफ ने निभाया है। दोनों की जोड़ी 5 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटी है। फिल्म की रिलीज के बाद इसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। कुछ लोगों ने पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए अपनी टिकट बुक करवा ली थी। इसी वजह से सभी सिनेमाघरों में 80% और कई जगहों पर हाउसफुल शो रहे हैं। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म में ऑडियंस को एक था टाइगर से ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। यही इसकी यूएसपी है और इसी वजह से फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म सुबह के शो 80% तक भरे हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि बहुत से मल्टीप्लेक्स हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म को लेकर जारी दर्शकों के बीच बेताबी को देखते हुए यशराज फिल्म्स ने रविवार से इसकी एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग वाली फिल्म बन गई है। फिल्म में एक बार फिर सलमान खान रॉय एजेंट टाइगर की जबकि कैटरीना कैफ आईएसआई एजेंट जोया की भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी अली अब्बास जफर ने ही लिखी है और यह नर्सों को आतंकवादी संगठन द्वारा बंधक बनाए जाने की सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाया गया है। फिल्म को 150 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। रिलीज से पहले ही इसके गाने लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। माना जा रहा है कि यह सलमान के करियर की तीसरी ऐसी फिल्म बनेगी जो 300 करोड़ के क्लब में पहुंचेगी। इससे पहले सुल्तान और बजरंगी भाईजान इस क्लब में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं टाइगर जिंदा है के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। तो टाइगर जिंदा है का फर्स्ट डे का कलेक्शन 35 करोड़ रुपए के बीच रहा। आपको टाइगर जिंदा है मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।